हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नीदरलैंड्स वर्सेस आयरलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा उट्रेक्ट के स्पोर्ट पार्क स्टेडियम के अंदर 4 जून को दोपहर के 2 बजे से। और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पे आपको इस मुकाबले की फैंटेसी टीम मिलेगी। उसके अलावा ढाका प्रीमियर लीग के मुकाबले, ECS T10 के मुकाबले और भी बहुत सारे मुकाबले कवर होते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लेना है। और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आप नॉर्मल फैंटेसी के अलावा चैलेंज फैंटेसी खेल सकते हो, जहां पे आपको 11 प्लेयर चुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल 2, 3 या 4 प्लेयरों की टीम बना सकते हो और अच्छी विनिंग कर सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर। साथ ही मैं आपको हर मुकाबले के अंदर एक फ्री एंट्री मिलने वाली है फैन टू प्ले पे। उसके अलावा आपको 200% का बोनस मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। तो किस बात का वेट कर रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करते हो, आपको फ्री में बोनस कैश भी मिलने वाला है। तो जल्दी से डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस मैदान पे बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। यहाँ तेज गेंदबाजों को भी हेल्प मिलता है और स्पिनर्स को भी हेल्प मिलता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नीदरलैंड्स के बारे में, जो कि पहला मुकाबला 1 रन से जीत गए थे और ये उनके लिए बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। वो सीरीज जीतना चाहेंगे, उसके अलावा वो वर्ल्ड ODI सीरीज के पॉइंट भी लेना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर। वापस से मैंने ऐसा को पहले भी बताया था कि नीदरलैंड्स की बैटिंग काफी कमजोर है, लेकिन बॉलिंग काफी शानदार होने वाली है इस टीम की। कप्तान पीटर सिलार ने 3 विकेट निकाले पिछले मुकाबले के अंदर। एक बहुत ही अच्छे स्पिनर है सिलार, उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर वो बल्लेबाजी भी अच्छी करने वाले हैं। बाकी गेंदबाजी में लॉगन वैन बीक ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। एक काफी अच्छे विकेट टेकर लॉगन वैन बीक। उसके अलावा टिम वेंटर गत्ते ने बॉलिंग के अंदर विकेट निकाला, साथ ही के अंदर उन्होंने बल्लेबाजी के अंदर 49 रन मारे। उनके काउंटिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आने वाला है टीम के। और फ्रेड क्लासन ने भी काफी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, वो काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर और कैंट की तरफ से खेलते हैं। तो नीदरलैंड्स की टीम में बॉलिंग कुछ काफी अच्छे ना हमको देखते हैं, पर इनको बल्लेबाजी इंप्रूव करना पड़ेगा। मैक्स ओ डाउट सबसे अच्छे बल्लेबाज इस टीम के पास में, वापस उनके ऊपर निगाह रहने वाली है। वापस से नीदरलैंड्स के पास एक काफी बड़ा मौका होगा इस मुकाबले के अंदर। गेंदबाजी काफी अच्छी इस टीम के पास में, बस उनको बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं मैक्स ओ डाउट और स्टीवन मायबर्ग। नंबर 3 पे बेन कूपर, नंबर 4 पे बेस डी लीड, नंबर 5 पे पीटर सिलार, नंबर 6 के ऊपर स्कॉट एडवर्ड्स, फिर साकिब जुल्फिकार, लॉगन वैन बीक, टिम वेंटर गत्तेन, फ्रेड क्लासन और ब्रेंडन ग्लोवर। जरूर से नीदरलैंड की टीम सीरीज जीतना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं आयरलैंड की टीम के बारे में, जो कि पहले मुकाबले के अंदर चोक कर गई और एक जीता वो मुकाबला हार गई। आयरलैंड की बैटिंग पिछले मुकाबले के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। हालांकि पॉल स्टर्लिंग ने वापस एक बहुत ही लाजवाब पारी खेली टीम के लिए। उम्मीद होने वाली है इस मुकाबले के अंदर वो एक और बड़ी पारी खेलेंगे। स्टर्लिंग एक काफी कमाल के ओपनर है इस टीम के पास में, लेकिन बाकी पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई। चाहे वो एंड्रू बेलबर्नी हो, विलियम पॉटरफील्ड हो, हैरी टेक्टर और लॉर्कन टकर हो, ये सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। हालांकि टैलेंट सब में है, उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर ये सारे बल्लेबाज वापसी करने वाले हैं। ऑलराउंडर सिमी सिंह ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले के अंदर, वो आखिरी ओवर तक खेले। उसके अलावा उनकी स्पिन बॉलिंग भी काफी शानदार रही थी, तेज गेंदबाजी काफी शानदार आयरलैंड के पास में। क्रेग यंग ने 3 विकेट निकाले पिछले मुकाबले के अंदर, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। युवा गेंदबाज जॉश लिटिल केवल 21 साल की उम्र है उनकी, उनको भी 3 विकेट मिले और उनका प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा इस टीम के लिए। बैरी मकार्थी बल्ले पिछले
पिछले मुकाबले के अंदर कोई विकेट ना ले पाए हो, पर मकार्थी काफी तगड़े तेज गेंदबाज हैं, तो आयरलैंड की टीम के पास कुछ काफी शानदार पेस बॉलर हैं, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है, डॉकरेल है, सिमी सिंह ने, एंडू मैकब्रीन है, बस इस टीम को बैटिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो मुझे लगता है कि केविन ओब्रायन को जगह मिलने वाली है इस मुकाबले के अंदर। केविन ओब्रायन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं इस टीम के लिए, तो आयरलैंड के लिए ओपन कर सकते हैं पॉल स्टर्लिंग और विलियम पॉटरफील्ड, नंबर 3 पे एंड्रू बेल बर्नी, नंबर 4 पे केविन ओब्रायन, नंबर 5 पे जॉर्ज डॉकरेल, नंबर 6 पे लॉकन टकर, फिर सिमी सिंह, बैरी मकार्थी, एंडी मैकब्रीन, क्रेग यंग और जॉर्ज डिडली, तो जरूर से आयरलैंड के पास एक मौका है सीरीज बराबर करने का। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी नीदरलैंड, वो टीम होगी आयरलैंड, आप बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ टीम के ऊपर। भली पिछले मुकाबले के अंदर आयरलैंड ने चोक कर दिया, पर मुझे लगता है कि आयरलैंड का पलड़ा भारी रहेगा इस मुकाबले के अंदर, उनके पास एक काफी शानदार टीम, उम्मीद करता हूं कि आयरलैंड ये मुकाबला जीतने वाली है और वापसी करने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी इस तरह अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।